Hey guys, what's up? कैसे आप लोग? And welcome back to the channel. क्या है ना कि अभी बज रहे हैं 2 और जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे वो आज हम लोग करने वाले हैं. सो हम लोग आज बहुत सारा एडवेंचर करने वाले हैं और उसमें से मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस होने वाला है व्हेल शार्क के साथ स्विमिंग करना. सो लेट्स सी. हम लोग जो है आई थिंक सो आपने देखा वेदर लाइटनिंग और अभी जो है वो बज रहे हैं कुछ 2. हम लोग रेडी हो चुके हैं. हमारा जो वैन है वो नीचे आ गया है और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. गुड मॉर्निंग गाइस. अभी जो है वो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं. अभी बज रहे हैं कुछ समवेयर अराउंड 5. यहाँ पे पहुँचने के लिए हम लोगों को ऑलमोस्ट लाइक 3 घंटे का टाइम लगा. 2 बजे वहाँ से निकले थे और यहाँ पर हम लोग पहुँचे अभी 5 बजे के आसपास. तो अंधेरे में रात में कुछ दिखाई भी नहीं देता और ट्रैवलिंग था तो मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया. बट अभी जो है वो चीज़ ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं व्हेल शार्क के साथ स्विमिंग करने के लिए. मेरी वाइफ आ गई चेंज करने के बाद. अभी मुझे चेंज करने के लिए जाना है और अभी ब्यूटीफुल मॉर्निंग हो रहा है यहाँ पर और अभी भी लाइट मतलब कम है. मैं अभी चेंज करने जाऊँगा. उसके बाद जो है आप लोग यहाँ पर फर्स्ट एक्सपीरियंस देखोगे हमारा, वो भी है व्हेल शार्क के साथ जो है हम लोग स्विमिंग करने वाले हैं. ये एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं. इवन अभी भी बहुत सारे लोग लाइन में रुके हैं. हम लोगों का सब चीज़ हो गया और चलिए जल्दी करते हैं क्योंकि हमारा जो एजेंट है वो रुका है. गाइस मैं भी रेडी हो चुका हूँ और टी शर्ट तो पहले से पहना होगा, बस जस्ट नीचे शॉर्ट एंड ये पहन के रेडी हो गया हूँ. हियर इज माई वाइफ. हाय. सो अभी थोड़ा ट्रेनिंग विनिंग होगा यहाँ पे और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे लाइक अंदर आई थिंक सो बोट से जो आइलैंड है वहाँ पर आपको वो छोटा सा दिखाई देता रहेगा. तो आइलैंड पे जाने के बाद हम लोग व्हेल शार्क के साथ स्विमिंग करेंगे. और मेरा आवाज़ आई डोंट नो आपको अच्छा से क्लियर आते रहेगा कि नहीं, क्योंकि रीज़न ये है कि मैंने अपना जो माइक है वो दे दिया है. उसका रीज़न ये है कि अभी हम लोग पानी के अंदर जाने वाला है. सो डेफिनेटली फॉर सेफ्टी ऑफ गियर्स आई नीड टू कीप इट हियर. तो आप लोगों के लिए एक क्लोज व्यू यहाँ सा है. ब्यूटीफुल सनराइज़. मेरा ड्रीम था कि जब मतलब मेरा बर्थडे रहेगा तो मुझे एक ऐसा दिन बिताना है जब मुझे सनराइज़ दिखते रहेगा और भगवान ने मेरा इच्छा पूरा कर दिया. और अभी जो टाइम हो रहा है वो 5:15 समथिंग. थोड़े टाइम बाद जो है 5:30 के आसपास हम लोगों को यहाँ से बोट में बिठा के लेके जाएंगे वो आइलैंड, अगर आपको अभी दिखाई देता रहेगा तो. अगर लाइक आपको बुक करना रहेगा ये टूर पैकेज या ये जो भी चीज़ है, सिबू से ये स्टार्ट होता है. सो आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपके लिए यहाँ पर बुक कर दूँगा. कुछ उनका एडवांस पेमेंट होता है 50%. उसके बाद आप आराम से आके बाकी का पेमेंट कर सकते हो या फिर फुल पेमेंट आप मुझे कर सकते हो जो मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा. तो आप यहाँ पर आने के बाद आराम से अपना टूर जो है वो बुक कर सकते हो. इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये ही नहीं है. तो आगे चीज़ें आप देखोगे कि और भी क्या क्या चीज़ें अंदर इंक्लूड होने वाला है. वेस्ट पहन के हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए और अभी बोट आएगा. जैसे अब आप लोग देख रहे हो वहाँ पे, तो वैसे बोट लेके जाएगा अपने को थोड़ा आगे और फिर वहाँ से आपको जाना है पानी के अंदर. लेट्स सी. प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों को स्विमिंग नहीं आती है, तो जितना हो सके पॉसिबल ट्राई करेंगे रिकॉर्ड करना. मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउड नहीं है और GoPro से जितना रिकॉर्ड हो पाएगा उतना करने का कोशिश करेंगे. वैसे सन थोड़ा सा ऊपर आ गया है एंड थोड़ा सा बहुत ब्राइट भी हो रहा है.
अभी हम लोग सी में, ओह बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर। What happened? It won't sink. Oh wow. Oh my goodness, a lot of people. Oh, Luna, the shark. Oh, here. What's that? Dolphin something? The shark, whale shark. I got big गाइस अभी मैं जा रहा हूँ पानी के अंदर और फिर उसके बाद मेरी वाइफ आएगी। मतलब वहाँ पे आप लोगों ने देखा व्हेल वाला सीन हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सुमिलोन आइलैंड। सुमिलोन आइलैंड यहाँ से कुछ दूरी पे है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और उसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा लंच या ब्रेकफास्ट सॉर्ट ऑफ समथिंग करने वाले, ब्रंच मोस्टली, क्योंकि मॉर्निंग हो गया है। अभी कुछ टाइम हो रहा है समवेयर अराउंड 9 बजे के आसपास, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, बट इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस वंस इन अ लाइफ टाइम। तो वो चीज़ हो गया। अभी उसके बाद सुमिलोन आइलैंड अगेन वापस हम लोग वहाँ पर वाटर मतलब डाइविंग समथिंग शॉर्ट ऑफ करने वाले, स्नोर्कलिंग। और फिर बाकी का जो चीज़ है मैं आपके साथ आगे आगे वीडियो में शेयर करते रहूँगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। टर्मिनल के यहाँ पे भी आ गए हैं, आप लोग देख रहे हो पीछे बहुत ही अच्छा बीच है और पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, वाइट सैंड एंड आप लोग जैसे बोलते हो ब्लू पानी वाला बीच। तो अभी हम लोग फेरी के लिए रुके हैं और फेरी थोड़े टाइम में आने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। गोप्रो का जो बैटरी है वो डाउन हो गया, बहुत ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया उसकी वजह से, तो उसको भी फिलहाल चार्ज पर छोड़ दिया है पीछे कार के अंदर। और अभी धूप भी बहुत ज़्यादा है, बस जैसे फेरी आएगा वैसे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पर आने के टाइम पे एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि प्लीज़ ब्रिंग योर स्नैक्स, क्योंकि भूख लग सकता है इनकेस, तो बेटर है सिबू से ही ऐसे में बाई कर ले। फेरी में हम लोग बैठ चुके हैं और अभी जाने वाले हैं आइलैंड की ओर। समथिंग अराउंड कुछ हम लोग को 20 मिनट्स के आसपास का टाइम लगने वाला है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं फेरी में। जो चढ़ने का एक्सपीरियंस था वो रियली अमेजिंग था।
पे आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है और वेदर भी बहुत ही अच्छा है। मैंने जस्ट यहाँ पे आने के बाद मेरी वाइफ को बोला कि ये देख लिया बहुत हो गया, अभी मालदीव जाने का ज़रूरत नहीं है, तो वो नाराज़ हो गई और चलो अभी उसको मनाना पड़ेगा, बट ये जगह भी काफ़ी अच्छा है। आए हैं और अभी बहुत ज़ोरों से भूख लगा है, सो वी आर गोइंग टू हैव सम ब्रंच। सो ये है मेरा वेजी चॉप सॉय राइस एंड मेरी वाइफ का सूप, उसके साथ जो है मेरी वाइफ के लिए सूप उसके साथ राइस, सो उसने बोला कि बहुत अच्छा है, सो लेट्स स्टार्ट ईटिंग एंड देन फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हमारा जो वैन है वो यहीं पर है। ब्रंच करके हो गया, अभी यहाँ से निकलना है और एक और जगह है एक्चुअली वहाँ पे जाना है जिसका नाम है तुमलुक फॉल्स। अभी इसके अलावा और भी बहुत सारे जो प्लेसेस है वो विज़िट करना बाकी है, तो मतलब ये पैकेज इट्स रियली वर्थ इट। और चलो अभी आगे की चीज़ें देखते हैं, अभी यहाँ से बस निकलना है। हम लोग तो आ चुके हैं, अभी और भी जो दूसरे ग्रुप में मेम्बर्स थे वो लोग आ रहे हैं, आई थिंक सो रेडी हो गए। तो अभी जो आई थिंक सो उसका मैंने पिक्चर देखा है आपको, वो तुम्हारा लोग फॉल्स पसंद आएगा और वहीं पे जाके जो बोलते हैं ना कि जो भी बाकी का काम है वो करना है। लाइक समंदर से हम लोग आए तो खारा पानी की वजह से जो है थोड़ा इचीनेस हो रहा है, तो वो क्लीन करने के लिए वहाँ पे जो है वो बहुत ही बेस्ट प्लेस है। करके अभी हो गया है और यहाँ पर मतलब सब चीज़ों का सही तरीके से उन लोगों ने बोलते ना कि मेंटेन करके रखा है, तो बात जो है वो आप यहाँ पर आके कर सकते हो, उसके अलावा क्लोज चेंज कर सकते हो, तो सब चीज़ हो गया है। मेरी बात वही है और अभी हम लोग यहाँ से बस निकलेंगे और फिर आई थिंक सो एक या दो बीच में हॉल्ट लेंगे और फिर सीधा जो है वो अपने होटल के। हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे आ गए हैं और इसका नाम है रूइंस। तो रूइंस मतलब सम बोलते हैं ना कि जो ओल्ड स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि फोर्ट या समथिंग जो चीज़ था पहले और उसके जो बच्चे कुछ जो पार्ट्स या समथिंग आप बोलो, तो वो है ये चीज़ रूइंस। सो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो देख लिया और उसके बाजू में ना ये मस्त बड़ा वाला चर्च है। सो मेरी वाइफ वहाँ पे गई है और मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे विजिट करने के लिए। ये चर्च तो आपने अंदर से देख लिया रहेगा, अभी हम लोग जा रहे हैं मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का बेस्ट व्यू। सो लाइक यू आर एबल टू सी ये है रूइंस और चर्च आपने देखा और जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे है सी।
So it's a very beautiful view. लास्ट चर्च था आपने देखा, वो हम लोगों ने विजिट कर लिया और अभी बस सब चीज़ हो गया है, रिटर्न जाना है होटल में। एंड आई थिंक सो होटल में जाने के लिए हम लोगों को कम से कम यहाँ से 2 घंटा लगेगा, मतलब अभी कुछ बज रहा है 1:30 और कुछ 4 बजे तक हम पहुँचेंगे। अगर ट्रैफिक रहा तो शायद से 5 भी बच सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल। सब पूरा ट्रिप जो आज का था वो वर्थ था, उसमें से सबसे बेस्ट जो पार्ट था वो था व्हेल शार्क के साथ स्विमिंग करना। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हो या फिर जो है वो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड लक।